बल स्टूडियो, कैसे हैं आप लोग? गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही टेस्टी और अच्छा रेसिपी जो हमारे घर पे अक्सर बनता है और बहुत अच्छा बनता है। मैं इसके लिए आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है पनीर ग्रेवी विथ आलू। तो चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं और आप लोग देख लीजिए कि कैसा बनता है। ग्रेवी विद आलू बनाने के लिए हमने यहाँ पे पनीर लिया है, आलू लिया है, पनीर यहाँ पे 300 ग्राम्स लिया है और दो बड़े आलू, अनियन पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट, चॉप्ड ग्रीन चिलीज एंड टोमेटो प्यूरे, दही। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और है हल्दी, नमक। और हमने यहाँ पे जीरा लिया है एक चम्मच और है खड़े मसाला। खड़े मसाले में हमने यहाँ पे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग और स्टार लिया है और लिया है दो तेजपत्ता। और बाद में हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी और फ्रेश क्रीम। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते हो तो आप मत यूज़ कर सकते हो। ये कुकिंग स्टार्ट करते हैं उसके लिए हम लोगों ने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दिया है। अभी हम उसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल गरम हो गया है, अभी हम उसमें डाल देंगे पनीर। पनीर को हम थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। देन इसको धीरे धीरे हम फ्राई कर लेंगे। अगर आप ग्रेवी में पनीर को ऐसे फ्राई करके डालते हो तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। जब पनीर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। और धीरे धीरे हम सारे पनीर को फ्राई कर लेंगे। पनीर सारे फ्राई हो गए हैं, अभी हम आलू को थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेंगे। और उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। फिर इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तीन से चार मिनट तक हम लोग आलू को अलट पलट कर थोड़ा फ्राई कर लेंगे। आलू फ्राई हो गए हैं, अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम डाल देंगे दो तेज पत्ते, उसके बाद जीरा और जो हमने गरम मसाले रखे थे उसको। अभी हम उसमें ऐड कर देंगे अनियन पेस्ट। हम लोगों ने यहाँ पे तीन बड़े साइज के अनियंस को पेस्ट कर लिया था। अभी हम डालेंगे उसमें लहसुन पेस्ट। हमने यहाँ पे दो लहसुन को पेस्ट कर लिया था, उसको डाल देंगे। फिर इसे भी हम बहुत अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम उसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट। एक चम्मच हम अदरक का पेस्ट डालेंगे। थोड़ा फ्राई होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च चॉप्ड किया हुआ और उसके साथ हम डाल देंगे टमाटो पेस्ट तीन से चार चम्मच।
हमने यहाँ पे 4 चम्मच टमेटो पेस्ट ऐड किया है। इसमें हम अभी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। फिर इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और अभी हम ऐड करने वाले हैं 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और उसके बाद हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और डालेंगे दही। दही हम 3 से 4 चम्मच ऐड करेंगे और इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत अच्छे से इसको भूनेंगे। मसाले बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इसमें ऐड करने वाले हैं आलू, और इसे मिक्स करने के बाद हम लोग आलू को पका लेंगे। इसके लिए हम इसमें ऐड करने वाले हैं थोड़ा सा बटर और इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि आलू बहुत अच्छे से पक जाए और हम इसे लो फ्लेम में रखेंगे। 5 मिनट हो गया है, अभी हम ढक्कन खोल लेंगे। आलू एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अभी हम ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना है ग्रेवी को और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, उसी अंदाजे से आपको। तो हम और थोड़ा सा पानी ऐड करने वाले हैं। पानी को उबलने के लिए हम थोड़ा सा टाइम फिर से ढक के रख देंगे ग्रेवी को। ढक्कन खोल लेंगे अभी और अभी हम इसमें पनीर ऐड करने वाले हैं ग्रेवी में। तो हम थोड़ा थोड़ा करके ग्रेवी में पनीर ऐड कर रहे हैं। अभी हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चीनी। चीनी हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे टमाटो पेस्ट एंड दही ऐड किया है, तो थोड़ा खट्टापन बैलेंसिंग के लिए यूज़ किया है हम लोगों ने। और ऊपर से हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, इससे फ्लेवर और थोड़ा सा अच्छा आता है। रेडी है हमारी पनीर ग्रेवी विथ आलू। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। बस अभी हम इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड करने वाले हैं और इसको सर्व कर लेंगे एक सर्विंग बाउल में। तो हम लोगों ने निकाल लिया है एक सर्विंग बाउल में। देखिए कितना ब्यूटीफुल एंड यम्मी लग रहा है देखने में। ये खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। अगर हमारे इस रेसिपी को पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलें। हम मेरी मम्मी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।